हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो ये आज छोटी सी वीडियो जो है, छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है बेसिकली कंपनीज के केस में जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के में चैप्टर में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसकी बैलेंस शीट जो है हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को। बहुत सारे टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, सर इसके ऊपर वीडियो जो है हमारे को प्रोवाइड करो। ठीक है, तो आज मैं आपको वीडियो जो है इसके ऊपर दूंगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट जो है। इसके बाद कोई भी डाउट जो है वो आपको नहीं रहेगा। ठीक है जी, मेरी यही कोशिश होगी कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूं। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना है। ये मेरी आप सबसे दिली रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अब कंपनी का नाम है किंग लिमिटेड। किंग लिमिटेड कंपनी जो है 40,000 इक्विटी शेयर्स के साथ रजिस्टर्ड हुई है। इसका मतलब कंपनी के पास कितने शेयर इशू करने की अथॉरिटी है, 40,000। कितने का एक शेयर है, 100 रुपए का। द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स टू द वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज। अब कंपनी जो है 20,000 शेयर इशू कर रही है किसको, वेंडर को। मतलब वेंडर मतलब क्या होता है, सेलर। सेलर जो है उसको वेंडर कहा जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो हमने उसे बिल्डिंग परचेज की, बदले में उसको 20,000 शेयर इशू कर दिए। एंड 15,000 शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक और 15,000 शेयर हमने क्या किए, पब्लिक में इशू किए हैं। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹30 पर शेयर। मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी है ₹30 पर शेयर के हिसाब से। फर्स्ट कॉल पे हम 40 मंगवा रहे हैं जिसमें ₹10 प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, और सेकेंड और फाइनल कॉल पे बैलेंस, मतलब ₹30 अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हो गए, 40 मतलब 30 प्लस 10, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 फर्स्ट कॉल पे। अगर बाकी बचे फाइनल कॉल, इस पे हम क्या मंगवाएंगे, ₹40। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब सारा पैसा रिसीव हो गया लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ, क्या, ए हु होल्ड्स 4,000 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब ए एक पर्सन था जिसके पास कंपनी के 4,000 शेयर्स थे, उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी, उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। बी एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 1,500 शेयर्स हैं, उसने सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो नहीं पे की, मतलब सेकंड और फाइनल कॉल सेम है। देन इसके बाद है आउट ऑफ द फॉरफिटेड 2,500 शेयर्स। मतलब हमने जितने भी शेयर फॉरफिट किए हैं उसमें से 2,500 शेयर्स जो है हमने क्या किया, रीइशू कर दिए। कितने में रीइशू किया, एक शेयर ₹120 में। मतलब जितनी एक्चुअल वैल्यू थी शेयर की ₹100, उससे महंगा रीइशू कर दिया, जिसमें सारे के सारे बी के शेयर इंक्लूड थे। कैसे, देखो टोटल शेयर ए के फॉरफिट किए हमने कितने, 4,000। बी के जो है हमने शेयर फॉरफिट किए 1,500। ठीक है, और रीइशू कितने किए, सिर्फ 2,500। ठीक है जी, रीइशू किए हमने कितने, 2,500 शेयर्स। अब 2,500 में 1,500 जो है वो बी के इंक्लूड सारे, मतलब जितने बी के शेयर हमने फॉरफिट किए वो सारे के सारे इंक्लूड कर दिए रीइशू में। बाकी बचे 1,000, तो इसका मतलब वो 1,000 किसके होंगे, ए के। तो मतलब ए के अभी भी 3,000 शेयर्स जो है वो क्या है, अनइश्यूड, मतलब वो अभी इशू नहीं किए, वो अभी बचे हुए हैं। यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन में पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो सबसे पहले इसको तो छोड़ ही देते हैं, हम नोट्स टू अकाउंट्स पे ही आते हैं सीधा। ठीक है, अब कंपनी जो है कितने शेयर जो है इशू करने की पावर रखती है, उसको कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। अब 40,000 शेयर इशू करने की पावर कंपनी रखती है, तो 40,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, कितना आ गया, 40 लाख। तो 40 लाख के नीचे आपने दो लाइंस लगा देनी ऐसे करके, मतलब ये क्लोज कर दिया हमने, इससे हमारा कुछ लेना देना अब नहीं है। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल। अब कंपनी इशू करिए 3,500 शेयर्स, ₹100 का एक शेयर, मतलब 35 कैसे हैं, 20,000 शेयर जो हमने किसको दिए, वेंडर को बिल्डिंग परचेज करने के बदले में, और 15,000 शेयर जो है हमने किसको इशू किए, पब्लिक को। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, 32,000 शेयर, मतलब कंपनी ने शेयर जो है वो रिसीव किए हैं कितने, 32,000 शेयर्स। ठीक है, मतलब 20,000 तो हमने उनको इशू कर दिए, बाकी जो 15,000 थे उसमें से कंपनी ने कितने, पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, सिर्फ 12,000। ठीक है, नेक्स्ट, अब 32,000 शेयर्स है, ₹100 का एक है, तो टोटल कितना हो गया, 32 लाख रुपीज, इसको भी कर दो क्लोज। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो 32,000 शेयर्स को 100 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आता है, 32,000।
तो शेयर फोर फिटेड जो है इसको हम कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन जो है वो इधर की हुई है, ध्यान से देखना। सेकंड पॉइंट जो है वो है कॉम्प्यूटेशन ऑफ शेयर फोर फिटेड बैलेंस एट द एंड। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले है शेयर फोर फिटेड फ्रॉम एज होल्डिंग कितना है, हमने जो ए से रिसीव किया है 4000 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया उसने 30 रुपए की, मतलब उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी, तो मतलब हमने ए से कितना रिसीव किया, सिर्फ 30 रुपए, ठीक है। तो 4000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, कितना हो गया 12000। बी से हमने कितने रिसीव किए, 1500 शेयर्स पे, इसने सिर्फ बी ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब इसने जो 40 रुपए की फाइनल कॉल है वो नहीं पे की, 60 रुपए पे कर दिए। तो 15 को मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, तो कितना आ गया 90,000। तो 1,20,000 और 90,000 हम रिसीव कर चुके हैं। शेयर रीइशू कितने किए हैं, 2,500। इसमें से बी के कितने शेयर इंक्लूड हैं, 1500, बचा कितना 1000। अब 1000 जो शेयर हैं वो किसके होंगे, ऑब्वियसली ए के, जो कि मैंने आपको यहां पे समझाया था। यहां पे देखें ध्यान से, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट समझाया था कि कंपनी जो है वो शेयर फोरफिट कर रही है कितने, 5500 इन दोनों के, ठीक है, जिसमें से रीशू कर रही है 2500, जिसमें से 1500 जो है वो ए के हैं, सॉरी बी के हैं, बाकी बचे 1000 वो ए के हैं। मतलब इसका कहने का कि 3000 शेयर जो अभी भी बचे हुए हैं ए के, वो अनइशूड हैं, ठीक है। तो उनको कैसे डील करना है देखते हैं ध्यान से यहाँ पे। अब उनको कैसे डील करेंगे हम, ध्यान से नोट करना कि 3000 शेयर जो है वो अनइशूड है, तो therefore balance of share forfeited for 3000 shares of A's holding। अब A ने सिर्फ application और allotment money ही pay की है, उसने दोनों calls नहीं pay की, मतलब 30 रुपए ही pay किए हैं। तो 3000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 30 के साथ। क्यों, क्योंकि उसने 30 रुपीज जो है वो पे कर दिए हुए हैं इस पैसे के ऊपर, मतलब इन शेयर्स के ऊपर। तो कितना पैसा हम उससे रिसीव कर चुके हैं, 90,000, जो अभी अनइश्यूड था। तो वो 90,000 को हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली अमाउंट में 32 लाख में शेयर फोरफिटेड में आपने क्या कर देना है इसको ऐड। तो ये कितना का टोटल, 32,90,000। तो ये नोट वन आ गया शेयर कैपिटल का। तो इसको हमने शेयर कैपिटल यहां पे लिख के कहां पे ट्रांसफर कर देना, अमाउंट वाले कॉलम में 32,90,000, और नोट नंबर क्या आ जाएगा आपका, वन। इसके बाद आपने क्या करना है, जो अमाउंट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है वो देखते हैं कैसे करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब ए के शेयर्स पे हमने कितना पैसा रिसीव किया है, अब ए के शेयर्स कितने हैं, 1000 जो हमने रीइशू किए हैं, 30 रुपए के हिसाब से इससे कितना ले चुके हैं, 30,000। बी के 1500 शेयर्स हैं, 60 रुपए के हिसाब से इससे कितना ले चुके हैं, 90,000, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना पैसा मैं रिसीव कर चुका हूं, 1,20,000, ठीक है। लेकिन मेरा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 100 रुपए का शेयर जो था वो 120 रुपए में रीइशू किया है। तो इसका मतलब कहने का कि मेरे को 1 रुपए का भी लॉस जो है वो नहीं हुआ। तो सारे यहाँ पे क्या है, अनयूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रीइशू कितना आ गया, 0। क्यों, क्योंकि मैंने 100 वाला शेयर 120 में बेचा, मतलब 20 रुपए महंगा बेचा। तो 20 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो 2500 के साथ, तो ये आता है मेरा कितना, 500000, 50,000 जो है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 रुपया भी मेरा यूज नहीं हुआ। तो 1,20,000 का 1,20,000 जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कितना है, 50,000, राइट। अब कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखें एक बार ऊपर, यहाँ पे कंपनी जो है वो 10 रुपए का प्रीमियम जो है वो कॉल पे रिसीव कर रही है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए मार्केट में, कितने इशू किए हैं जी, 12,000 सब्सक्राइब्ड शेयर्स जो है वो कितने हैं, 12,000। तो 12,000, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर जो है कंपनी उसके ऊपर प्रीमियम रिसीव कर रही है। तो टोटल कितनी अमाउंट होगी, 1,20,000, ठीक है। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है जितने शेयर्स पे कंपनी ने रिसीव नहीं की है 10 रुपए के हिसाब से, वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो कितने कितने शेयर्स कंपनी ने फोरफिट किए, एक तो हो गए 4,000, एक 1,500, ठीक है। लेकिन सिर्फ 4,000 शेयर्स पे जो है फर्स्ट कॉल नहीं आई, और फर्स्ट कॉल पे ही प्रीमियम था। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरा ये, 40,000। तो ये माइनस करने के बाद मेरा हो गया कितना, 80
1000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो नहीं रिसीव हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गया, तो ये 80,000 यहां पे आ गया। उसके बाद जो हमने अभी प्रीमियम पे शेयर्स जो है वो री इशू किए हैं, वो कितने किए हैं, कितने शेयर्स री इशू किए हैं प्रीमियम पे, 2500। ठीक है, तो 2500 के ऊपर जो है 20 रुपए के हिसाब से मेरे पास जो है प्रीमियम आ रहा है 50,000। ठीक है जी, तो यहां पे आ गया 80,000, और उसके बाद जो मैंने यहां पे 50,000 प्रीमियम यहां पे रिसीव किया है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो गया मेरे पास कितना, 1,30,000 मैंने यहां पे लिख दिया। और उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर से जो मेरे को कैपिटल रिजर्व का गेन हुआ है ये वाला पॉइंट, तो ये भी क्या कर देंगे बीच में प्लस, तो टोटल हो गया मेरे पास कितना, 2,50,000। ठीक है, और यहां पे मैंने वो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या कर देना है, एड नोट टू अकाउंट में सेकंड नंबर वाला पॉइंट। ठीक है जी, ये आ गया 2,80,000। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, कोई डाउट नहीं है आपको इसके बाद आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हार्ड जो है वो क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट का यही ट्रीटमेंट होता है नॉर्मली। एक क्वेश्चन था हमारा 31, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2018 हाईवे लिमिटेड जो है इन्होंने कंपनी शुरू की, ऑथोराइज कैपिटल है 10,00,000 रुपए, मतलब 10 रुपए का शेयर है, कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 1,00,000। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स। अब कंपनी ने मार्केट में शेयर कितने इशू कर दिए, 80,000। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुए 73,000 शेयर्स। ठीक है, अब कंपनी ने सिर्फ अभी 8 रुपए मंगवाए हैं। ए एक पर्सन था जिसके पास कंपनी के 2500 शेयर्स थे, बी एक पर्सन था जिसके पास कंपनी के 3000 शेयर्स थे। ठीक है, अब इन दोनों ने जो है फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपए की नहीं पे की, और सेकंड कॉल कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं की, मंगवाई नहीं है। द शेयर्स ऑफ बोथ शेयर होल्डर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 3500 ऑफ फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। मतलब अब देखो यहां पे फिर से प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, ए एक पर्सन था जिसके पास कंपनी के कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 4000। ठीक है, ए बी के पास कितने शेयर्स थे कंपनी के, जो उसने जितने शेयर्स पे उसने पैसा नहीं पे किया है, सॉरी यहां पे 2500 है और यहां पे 4000, तो 3000, सॉरी 3000। अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना आता है, 5500 शेयर्स। अब कंपनी जो है रीइशू कर रही है इसमें से सिर्फ 3500, कितने 3500। अब 3500 शेयर्स में से इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, कि ए के सारे शेयर जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ए के 2500 शेयर तो इसमें पूरे के पूरे आ गए, बाकी बचे कितने, 1000। तो 1000 जो है वो किसके होंगे, बी के। तो इसका मतलब बी के जो 3000 शेयर है इसमें से अगर मैं 1000 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 2000 शेयर्स। तो इसका मतलब 2000 शेयर्स पे जो इन्होंने पैसा पे कर दिया हुआ है बी ने, वो मेरा शेयर फोरफिटेड का अमाउंट जो है वो बन जाएगा, जो ऊपर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में ही आते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल जो है कंपनी के पास 10,00,000 रुपए की है, 10,00,000 लिखो, क्लोज कर दो। इशूड कैपिटल 80,000 शेयर इशू किए कंपनी ने, 10 रुपए का एक शेयर है, 8,00,000 की हमारी क्या आ गई इशूड कैपिटल, इसको भी क्लोज कर दो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, 73,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, 7,30,000 जो है कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन गई, इसको भी कर दो क्लोज। अब मेन पॉइंट आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो 73,000 शेयर्स पे कंपनी ने कितने कॉल किए हैं, 8 पर शेयर के हिसाब से 5,84,000। अब इसमें ऐड किया शेयर फोरफिटेड का 12,000, ये कैसे किया ध्यान से देखना, यहां पे नीचे वर्किंग नोट। अब टोटल शेयर जो थे ए के वो कितने थे, 2500, कितना रिसीव किया इससे, 6 रुपए। इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, और फाइनल अभी हमने क्या किया, मंगवाई नहीं है। ठीक है, तो 2500 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, कितना आ गया मेरा, 15,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बी के शेयर जो है 3,000, इसने भी 6 रुपए पे किए हैं, 18,000। तो ये दोनों के अमाउंट हमने रिसीव कर लिया। शेयर रीइशू किए गए हैं 3500 आउट ऑफ 5500 जो मैंने आपको करके बताया दूसरे साइड पे। ठीक है, इसमें से लेस कर दो जो ए की होल्डिंग है, कितनी 2500, बची किसकी, बी की। ठीक है, कितने शेयर रह गए, 1000, तो वो बी के शेयर्स में से होंगे, लेकिन बी के जो अन इशूड शेयर रह गए वो कितने रह गए,
2000 जो अभी कंपनी ने इशू नहीं की, तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्यों, क्योंकि ये पैसा इसने पे कर दिया हुआ है कंपनी को ऑलरेडी, तो ये कंपनी के शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्या हो जाएगा प्लस कितना 12000। तो हमने क्या करना है 584000 में ये प्लस कर देना 12000, तो मेरी नेट अमाउंट जो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे देखो 596000 रुपीज। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक नोट और था जिसमें हमने क्या करना है जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ए के कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं हम 15000, कितने शेयर्स पे 2500 शेयर्स पे, बी के 1000 शेयर्स पे क्योंकि इसके 2000 तो अभी रीइशू किए ही नहीं है, ठीक है, तो 1000 शेयर सिर्फ इसके हैं 6 रुपीज के हिसाब से 6000 इससे रिसीव कर लिया, तो टोटल कितना रिसीव कर चुके हैं 21000। सॉरी यहां पे दोबारा से समझा देता हूं, कंपनी जो ए के जो होल्डिंग है फोरफिटेड अमाउंट की 2500 शेयर्स पे कंपनी ने 6 रुपीज रिसीव किए 15000 रिसीव कर लिया, बी के 1000 शेयर्स पे 6 रिसीव किए क्योंकि बी के सिर्फ 1000 शेयर्स ही जो है वो रीइशू हुए हैं, ठीक है, तो 6000, तो टोटल कितना आ गया 21000। अब कंपनी जो है रीइशू कर रही है शेयर्स को, 6 रुपए का शेयर है जो कंपनी रीइशू कर रही है लेकिन कॉल्ड अप कितने हैं 8 रुपए, मतलब कंपनी जो है यहाँ पे कितने रुपए का लॉस जो है वो बेयर कर रही है 2 रुपए का, तो वो यूटिलाइज हो जाएगा ड्यूरिंग द रीइशू। 3500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से क्योंकि 3500 शेयर्स कंपनी रीइशू कर रही है, 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 7000 रुपीज, तो 7000 जो है 21 में से माइनस कर देंगे, बचा कितना 14000, ये हमारा कैपिटल रिजर्व में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है जी, कहां पे यहां पे, ठीक है जी, ये 14000, तो 596 जो यहां से आया और 14000 जो पिछले नोट से आया, तो टोटल हो गया 610000 हमारा शेयर कैपिटल। तो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, वेरी 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 सिंपल, और मेरे को उम्मीद है कि आपका जो डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट आएगा इन ऐसे क्वेश्चंस में तो मेरे से कभी भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9877043033, ठीक है जी, सो कोई भी डाउट आता है इसको क्लियर करो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके, मेरे को कॉल करके जो है आप क्लियर करो, ठीक है। अगर आपको इसके जैसे और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना कि सर हमें क्वेश्चन चाहिए, तो आपको इसके जैसे ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।